सखर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इन्होंने बनाई तो हुई है, लेकिन वो उसकी कोई एक्टिविटी नहीं सखर में आज तक, आज की डेट तक आप लोगों से भी ढकी छुपी नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है उसकी, न किसी को पता ही है। यहाँ पे जो सोसाइटीज बन रही हैं, आप जाके छानबीन करें कितनी सखर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज अप्रूव्ड है, कोई नहीं होगी। गंध का हाल देखें, रोड़ी शहर, सखर शहर, सखर एक बहुत बड़ा शहर है सिंध का तीसरा, लेकिन वहाँ पे जो सूरत हाल गंध की है, सीवरेज के पानी की है, रोड बनाते हैं हर साल एक नया, लेकिन वो एक शावर के बाद ख़त्म हो जाता है क्योंकि उसमें ड्रेनेज नहीं होता, पानी खड़ा हो गया फिर एक नया बिल निकलेगा इनका। इसके सिवा हजारों बिल जो ये सिर्फ पेपर्स में निकालते हैं, फिजिकली कोई काम नहीं होता वो। तो ये सब चीज़ें मिस अप्रोप्रिएशन जो इन्होंने की हैं उनका हिसाब होना चाहिए और इंशाल्लाह होगा 23 के इलेक्शन में। हमारी साई से भी गुजारिश ये है कि वक्तन फवक्तन चक्कर लगाएं और इन चीज़ों से आगाही लें और फिर ऊपर से बैठ के इन चीज़ों को रखें कि इनका एहसाब भी हो और हमारे लोगों के लिए कुछ फैसिलिटेशन हो, कुछ रिलीफ मिले हमारे इलाके के लोगों के लिए, जिसके लिए पीटीआई ने एक नारा बुलंद किया और हम सब दोस्त उस नारे के पीछे पीटीआई के साथ आए, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह बेहतर होगा।